दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी सज्जनों को मैं संत श्री कृष्ण भगत को ओर से नमस्कार तथा छोटे को शुभ साधुवाद देता हूँ। आज मैं पुनः एक नया विषय के साथ हाजिर हूँ। आज का विषय है हथेली में वर्ग का रहस्य। सज्जनों, चार भुजाओं से घेरे हुए क्षेत्र को वर्ग कहते हैं। सज्जनों, ये है गुरु क्षेत्र या गुरु पर्वत। जिस किसी व्यक्ति के हथेली में वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति सफल प्रशासक, देशव्यापी ख्याति अर्जित करता है, साथ ही एक साधारण परिवार में जन्म लेकर उच्च पद को प्राप्त करता है। नंबर दो, ये है शनि पर्वत। शनि पर्वत पर यदि वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति आकस्मिक संकट से छुटकारा दिलाता है, साथ ही मौत के मुंह से बाल बाल बच जाता है। नंबर तीन, यह है रवि क्षेत्र या इसे सूर्य क्षेत्र भी कहते हैं, सूर्य पर्वत भी कहते हैं। व्यक्ति को सूर्य क्षेत्र पर यदि वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसे में व्यक्ति को मान, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि दिलाता है। दोस्तों, ये है बुध क्षेत्र। बुध क्षेत्र पर यदि वर्ग का चिन्ह हो तो किसी दैविक या व्यापार में संकट से उबारता है। नंबर पाँच, ये है चंद्र क्षेत्र। चंद्र क्षेत्र पर यदि वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसे में व्यक्ति को कल्पना शक्ति बढ़ जाता है, साथ ही विवेकवान, धैर्यवान, क्षमावान, दयावान बनता है। दोस्तों, ये है शुक्र क्षेत्र। शुक्र क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में सहिष्णुता रखता है, साथ ही जेल जाने से बच जाता है। दोस्तों, ये है मंगल क्षेत्र। मंगल क्षेत्र पर यदि वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति झगड़े झंझट से दूर रहता है, साथ ही क्रोध को बस में रखने की सफल प्रयास करता है। दोस्तों, ये है राहु क्षेत्र। राहु क्षेत्र पर यदि वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति कारावास भोगने के बाद जंगल में जाकर रहने लगता है। दोस्तों, ये है केतु क्षेत्र। केतु क्षेत्र पर यदि वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसे में व्यक्ति को भाग उदय शीघ्र ही होता है तथा युवावस्था में संकट से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही किसी प्रकार का आपको दिक्कतें हो तो दिए हुए मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके आप अपना समस्या हल कर सकते हैं।
मैं संत श्री कृष्ण भगत परसौनी, जिला सीतामढ़ी, बिहार।